हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो पोस्ट के बारे में। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन सोर्सेज पे मिलेगी, तो जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप ये जॉब लेना चाहते हो थ्रू एसएससी सीजे, तो वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। जो जिस जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, ये डिफरेंट है उस जॉब से जो आप डायरेक्टली आईबी की वेबसाइट से फॉर्म भर के रिक्रूट होते हो। एक पोस्ट होती है हमारे पास ACIO आईबी, जिसके फॉर्म अभी निकले थे, जिसका एग्जाम जल्दी होने वाला है, जिसकी 2000 वैकेंसीज थी, उसके लिए मैंने अलग से बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा कि वो किस तरह की पोस्ट होती है, उसमें काम कैसे होता है। लेकिन जिस जॉब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो एसएससी सीजीएल के थ्रू होती है। हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं, हर साल वैकेंसीज निकलती है। तो मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो पोस्ट के बारे में। तो सारी चीजें जानेंगे, सबसे पहले तो इसमें सैलरी कंपोनेंट, जो कि बाकी जॉब से एसएससी के डिफरेंट होता है इसमें, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा सैलरी आपको इसी पोस्ट में मिलेगी अगर आप एसएससी सीजीएल से ज्वाइन करते हो। और उसके बाद इसमें सैलरी के साथ साथ और भी पक्ष मिलते हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसमें पोस्टिंग कहाँ पे होती है वो डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर का क्राइटेरिया क्या है, प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है, वर्क प्रेशर कैसा होगा, किस तरह का काम करना होगा, सोशल रिस्पेक्ट कैसे होगी, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कोई भी चीज यहाँ पे मिस मत करना। तो सबसे पहले मैं सैलरी कंपोनेंट से बात करूंगा कि सैलरी कैसे होगी इसकी। देखो, एसएससी सीजीएल में जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है हमारी 44,900 रुपए जब हम ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद आपको डीआरएस अलाउंस मिलता है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ग्रोथ सैलरी की बात करूँ एसएससी सीजीएल के थ्रू, अगर कोई जॉब है तो आपकी ग्रोथ सैलरी 65,000 से 70,000 तक बन जाती है एक्सिटी के अंदर, और उसमें इन हैंड सैलरी भी आपकी 60,000 के आसपास आ जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट में, एएसओ इन आईबी की पोस्ट में, जो आपकी सैलरी होती है वो बेसिक पे का 20% एक्स्ट्रा और मिलता है आपको इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, एसएससी, ठीक है। तो अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली या सिटीज में है तो आपको इतना अलाउंस मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है जम्मू और कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, तो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस वहां पे आपको 10% से और बढ़ जाता है, तो 30% आपका स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस रहेगा। तो आपकी सैलरी अदर सीजीएल की पोस्ट से लगभग 15,000 के आसपास एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये हो गया स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं छोटे छोटे, अब उनमें डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेन चीज हमने समझ ली कि हाँ, इतने अलाउंसेस बढ़ जाएंगे। बाकी एक काम ये भी होता है कि अगर आप 30 सैटरडे काम कर लेते हो यहाँ पे, तो सैलरी आपको जो 12 महीने की होती है उसकी जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है, तो और पैसे बढ़ गए, ठीक है। तो अगर एवरेज में मैं मान के चलूँ 80,000 से 90,000 रुपए के बीच में ग्रोथ सैलरी आपकी बढ़ रही है, और उसे मैं एक महीने की सैलरी और बढ़ा दूं एक साल में, तो 12 से डिवाइड करोगे आप, तो लगभग आपकी सैलरी यहाँ पे 7,000 रुपए और बढ़ जाएगी, तो और पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप डोमेस्टिकली कहीं मूव करना चाहते हो तो 50% ऑफ मिल जाता है सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे आपको, तो ट्रांसपोर्टेशन में काफी खर्चा बचेगा अगर आप अलग सिटी में जा रहे हो। तो ये कुछ पर्क्स हैं इसके इन टर्म्स ऑफ सैलरी। अगर मैं बात करूँ पोस्टिंग की, जैसे आपने सीजीएल का फॉर्म भरा, फाइनल सिलेक्शन हो गया आपका, उसके बाद एक अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत डिटेल में सारी चीजें पूछी जाती है, उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो पे जाके देख लेना कि क्या क्या डिटेल्स आपको देनी होती है जो डिपार्टमेंट में भेजनी होगी आपको, ठीक है। उसमें मेडिकल के बारे में भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी आपकी। फिर फाइनल जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, ज्वाइनिंग मोस्टली दिल्ली में होती है, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग हो कहीं भी सकती है, रैंडम एलोकेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम वैकेंसी जिसकी दिल्ली की होती है तो पोस्टिंग आपको दिल्ली में जनरली मिल जाएगी। अगर आपकी दिल्ली के अलावा कहीं और भी पोस्टिंग मिलती है तो 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो दिल्ली में पोस्टिंग के लिए अप्लाई करने के। और जैसे कि मैंने बताया, दिल्ली में वैकेंसी जिस पोस्ट की मैक्सिमम होती है, तो आप वापस 3 साल के बाद दिल्ली आ सकते हो। अगर आप ऑलरेडी पहले दिल्ली में पोस्टेड हो तो डिपार्टमेंट को अगर जरूरत लगी किसी और जगह पे, तो आपको वहां पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं रैंडमली कभी भी, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। रैंडमली अगर आपको कहीं और ट्रांसफर कर भी दिया तो 5 साल के अंदर मैक्सिमम आप वापस आ सकते हो दिल्ली, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में वापस आ जाओगे आप। सो ये मोटी मोटी चीजें थी कि पोस्टिंग कहाँ पे होगी, ठीक है। दिल्ली में ही मैक्सिमम आपको अपना टाइम बिताना होगा, तो दिल्ली से वो अगर आप हो तो इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हो, सैलरी वाइज अच्छी पोस्ट है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे इसका काम किस तरीके का होगा, देखो काम में क्या है, बहुत ज्यादा वर्कलोड इसमें नहीं है, मॉडरेट वर्क लेवल का वर्कलोड कह सकते हैं, कभी ज्यादा भी होगा कभी कम भी होगा, लेकिन मॉडरेट है। अगर ASO CSS की बात करें, वो भी मिनिस्ट्री की जॉब है हमारी, ठीक है, जैसे उसमें वर्कलोड होगा लगभग कंपेरेबल, आप मान सकते हो कि वर्कलोड सेम रहेगा, लेकिन हाँ एक मॉडरेट लेवल का वर्कलोड आप समझ के चलो कि यहाँ पर होगा। ये पूरी डेस्क जॉब है, क्लेरिकल जॉब है, फाइल्स वगैरह आपको संभालनी पड़ेगी, कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं होगी यहाँ पर आपकी,
ठीक है, जैसे ACIO IB में होता है मैक्सिमम फील्ड पोस्टिंग रहती है, इसमें आपकी डेस्क जॉब है, सारा काम आपको ऑफिस में बैठ के करना होगा, ऑल्दो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट में भी मिलता है। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो इस पोस्ट को ऑप्ट मत करना, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दे आर अदर पोस्ट जो बेटर है, जैसे डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, वरना कोई और पर्टिकुलर पोस्ट भी लेते हो तो उसमें जितना टाइम आपको मिल जाएगा पढ़ने का, शायद इस पोस्ट में ना मिल पाए, सो उसके लिए ज्यादा अच्छी पोस्ट नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रमोशन का क्या सीन चलता है, देखो इसमें जो पहला प्रमोशन होगा आपका सेक्शन ऑफिसर पे होगा, तो 5 साल के बाद यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है सेक्शन ऑफिसर के लिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, अगर आप क्लियर कर देते हो तो आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे तो फिर जो सीनियोरिटी बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगा पहला, वो 10 साल के बाद मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फाइनल किस प्रमोशन तक हो सकते हो, तो लेवल 11 और लेवल 12 तक मैक्सिमम आप हो सकते हो। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं, आप इस जॉब के बारे में बता नहीं सकते किसी को कि हाँ मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और तो सोशल रिस्पेक्ट जो आप समझ के चल रहे हो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप किसी को बताते हो जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए, इनकम इंस्पेक्टर बन गए, तो सब जगह लोग बताए कि हाँ मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ, तो इस जॉब में जब आप बता ही नहीं पा रहे किसी को तो कोई अलग से रिस्पेक्ट तो आपको देगा नहीं। और आपकी लाइफ भी थोड़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हो तो वो चीज नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे, सो सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी यहाँ पे, क्योंकि आपको अपने आप में रहना पड़ेगा, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं, ज़्यादा किसी को अपने बारे में नहीं बता सकते, अपने काम के बारे में बता सकते हो। सबसे पहला काम इंसान जब आपसे पूछता है कि आप करते क्या हो, तो सबसे पहले काम के बारे में पूछा जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है इस पोस्ट का, जैसे अगर आप डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो रिस्ट्रिक्शन बहुत होंगी, आप फोन नहीं ले जा सकते अंदर, ठीक है, और डिपार्टमेंट की कोई बात तो आप ऑब्वियसली लीक कर ही नहीं सकते। और एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर करप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, तो एक काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है अगर आप काम कर रहे हो इसमें। लेकिन वही है कि सोशल रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप किसी को अपनी जॉब के बारे में नहीं बता सकते। सो डेट्स इट अबाउट दिस जॉब, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली, बाकी बहुत सारी पोस्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का इंटरव्यू लिया था, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। डिविजनल अकाउंटेंट का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ और उसका अभी तक नहीं आया, जल्दी उनके बारे में आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ से आपके जितने भी डाउट्स हैं एसएससी सीनियर पोस्ट के बारे में सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी होगी और आप एक सही डिसीजन ले पाओगे कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट पे काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अभी फिलहाल आपसे यही मिला लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।